विद द पेमेंट और कैरिज बेस। वन लेन रोड अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में 3.75 मीटर का रोड विड्थ प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट का विड्थ 3.75 मीटर का प्रोवाइड करते हैं। अगर टू लेन है विदाउट कर्व तो 7 मीटर का प्रोवाइड करते हैं। अगर टू लेन है लेकिन कर्व है उसमें, ठीक है, कर्व है तो उसको 7.5 मीटर का प्रोवाइड करते हैं। इंटरमीडिएट लेन जो होता है 5.5 मीटर का प्रोवाइड करते हैं। मल्टी लेन जो होता है 3.5 के मल्टीपल में होता है, तो 3.5 इंटू नंबर ऑफ लेंस के अकॉर्डिंग उसका विड्थ निकाल सकते हैं। विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन, तो ये क्या था आपका, पेमेंट का विड्थ था, ये रोडवे या फॉर्मेशन का विड्थ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन लेन टू लेन प्लेन और रोलिंग के केस में। ये जो रिकमेंडेशन है NH और SH के लिए दिया गया है, वन ए हो या टू ए हो। अब प्लेन और रोलिंग का कंडीशन होगा तो 12 मीटर का क्या प्रोवाइड करते हैं, विड्थ ऑफ रोड प्रोवाइड करते हैं। और माउंटेबल या स्टीप टेरेन होता है तो उस केस में वन लेन है तो 6.25 मीटर प्रोवाइड करते हैं, टू लेन है तो 8.8 मीटर का क्या करते हैं, विड्थ ऑफ रोडवे प्रोवाइड करते हैं।